गुड आफ्टरनून नमस्कार सत श्रीकाल रेडियो डॉक्टर इज हेयर और आप सभी जानते हैं रेडियो डॉक्टर एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो जो आपको लगता है कि शायद आप अभी डॉक्टर के पास पर्सनली जाकर सॉल्व नहीं कर सकते यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री यानी कि आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे जो स्टूडियो में जितने भी डॉक्टर्स आते हैं आई थिंक दे आर सो ब्रिलियंट वो सारी आपकी जो क्वेरीज हैं आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करते हैं और ऐसे ही आज का जो रेडियो डॉक्टर है वो बहुत सारी महिलाओं की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनका निवारण करने वाला है अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है अच्छा इनफैक्ट शुरुआत में बहुत सारी बातें मैं कर सकती हूं अगर महिलाओं की बात आएगी ना तो ऐसा लगता है ऐसी क्या चीज है जो छोड़ दें बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो एक औरत को देखनी होती हैं घर अगर वर्किंग है तो प्रोफेशन फिर बच्चे और फिर अपनी हेल्थ एकदम लास्ट में आती है ऐसा होता है आई थिंक एटी परसेंट ऑफ अस वी डू लाइक दैट बट आज जो हमारे स्टूडियो में आई हैं एक बहुत ही खास डॉक्टर हमारे लिए इसीलिए हैं क्योंकि वो आज महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाली हैं और इनकी जो स्पेशलिटी है ना वो आयुर्वेदा में है यानी कि शी इज एन आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट और जिनको अगर एलोपैथी खानी पसंद नहीं है डर लगता है या फिर लगता है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे बहुत सारी चीजें होती हैं उनके लिए परफेक्ट प्रोग्राम है और मैं जी बिल्कुल वही हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर डॉक्टर रीना अरोड़ा और इससे पहले मैं ज्यादा बोलूं उनको स्टूडियो में हम वेलकम कर लेते हैं हेलो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो थैंक यू थैंक यू सोनी जी आ, मैं चाहती थी कि बहुत सारी बातें खुद से कह दूं लेकिन जब एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद होते हैं ना तो ऐसा लगता है अगर वही कुछ खास कहें तभी अच्छा है तो आप बताइए आज का जो कार्यक्रम है इससे महिलाएं जो खासकर सुनने वाली हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं जी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू ही बोला कि लेडीज अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं जी और आजकल तो वैसे भी लेडीज सुपर वुमेन बनने की पूरी कोशिश करती हैं जिसको मैं मना कर रही हूँ जिम्मत बनो पहले अपना ध्यान रख लो थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर हमारी किसी फील्ड में कम भी हो जाएगी तो चलेगी एटलीस्ट हेल्थ हमारी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो वापस नहीं आती फिर जी हेल्थ को रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जैसा अभी डॉक्टर रीना ने कहा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात कही है कि हेल्थ को रिवाइवल करने का मौका नहीं आना चाहिए आई थिंक वी शुड बी दो वो प्रिजर्व करें अपनी हेल्थ को मुझे पता है बहुत सारी बातें आप कहना चाहते होंगे सुनना चाहते होंगे तो कहिए ना दो तीन चार दो एक शून्य आठ चार हमारा नंबर है दो तीन चार दो एक शून्य आठ शून्य यानी कि टू थ्री फोर टू वन जीरो एट जीरो टू थ्री फोर टू वन जीरो एट फोर जीरो वन वन अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या फिर दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं और देखिए व्हाट्सऐप आप तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है आपको करना ही है आप कर सकते हैं वैसे लगातार आपके व्हाट्सऐप आने शुरू हो गए हैं बट फिर भी अगर आप किसी वजह से नंबर नहीं ट्रेस कर पाए हैं नौ आठ छः आठ एक शून्य सात शून्य सात शून्य ये हमारे नंबर्स हैं बातचीत बहुत होने वाली है महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड इससे पहले कि मैं आपको एक छोटी सी म्यूजिकल जर्नी पर लेके चलूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको एक मैं कहती हूँ जो म्यूजिक जैसी थेरेपी है वो कुछ नहीं हो सकती तो वो आप सुने उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जब भी आप कॉल करेंगे हमें प्लीज अपने सवाल के साथ तैयार रहिएगा और बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प सवाल पूछेगा एंड प्लीज स्टे एब्सोल्युटली रिलेटेड टू विमेन्स प्रॉब्लम अदरवाइज आप जानते हैं ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ, कुछ इशू होता है कॉल्स में तो नंबर आपको बता दिए हैं डॉक्टर रीना स्टूडियो में मौजूद हैं मैं गीतांजलि और ये गाना है तो देखिए इतनी सारी एनर्जी आपको मिल गई गाने की शुरुआत में ना हमेशा जैसे मैं कहती ही हूं कि जो म्यूजिक है या किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म है दैट्स फूड फॉर सोल लेकिन आज जो सोल की बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर रीना हमारे साथ स्टूडियो में है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वो करने वाली हैं तो डॉक्टर रीना सबसे पहली जो हम ऑफिशियल क्वेश्चन आपसे पूछना मैं चाहती हूँ आपके पास इतने सारे केसेज आते हैं आपको क्या लगता है महिलाएं कितना प्रतिशत अपने ऊपर खासकर अपनी हेल्थ के ऊपर अटेंशन दे पाती हैं या देना चाहती भी हैं दस परसेंट <laughs> oh <God, laughs> इतनी बुरी हालत है जी मैं इसको एक्चुअली एक एग्जाम्पल एक एक के साथ समझाना चाहूंगी जी, एक्चुअली जी। क्या है आजकल फाइब्राइड के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास पीसीओडी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी एंडोमेट्रियोसिस हैवी ब्लीडिंग या एमेनोरिया तो ये सब जो कारण है ये गलत लाइफ सारा दिन अपने ऊपर ध्यान ना देना गलत डाइटरी पैटर्न इन सब से हो रहे हैं जी। तो अगर लेडीज अपने ऊपर फिफ्टी परसेंट भी ध्यान दे लें और फिफ्टी परसेंट दूसरों पर दे लें तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे क्योंकि उनको ईश्वर ने शक्ति सबसे ज्यादा दी है जी बिल्कुल ये बात मैं आपकी हंड्रेड परसेंट मानती हूँ ऑल्सो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे लें अगर वो अपने ऊपर ध्यान दे लें तो आप तो बेस्ट हैं आपको वो देख तो नहीं पा रहे मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ स्टूडियो में आपको देख सकती हूँ तो जिस हिसाब से आपका परसोना है आपने अपने आपको मेंटेन किया है और आप जिस प्रोफेशन में हैं इट्स नॉट इजी बीइंग अ डॉक्टर बच्चे देखना घर देखना तो आप अपनी तरफ से पहले तो इनिशियली कुछ टिप्स दे दीजिए इससे पहले कि बहुत जो प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हम खो जाए जी मैं अपनी तरफ से टिप्स यही देना चाहूंगी जैसे कि थैंक यू आपने मेरी जो प्रशंसा की ये इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है ओके ओके थैंक यू तो इसका राज आयुर्वेद ही है हम हमारे घर में तीनों टाइम फ्रेश मील्स लेते हैं प्रॉपर टाइमिंग्स पे मील्स लेते हैं कभी कभार कुछ ऐसा हो जाए तो लेट अदरवाइज सेवन सेवन थर्टी तक डिनर हो जाता है हमारा और ब्रेकफास्ट एट एट थर्टी पर अक्सर लोग क्या करते हैं दस बजे ग्यारह बजे कोई टाइम नहीं है डिनर का बिल्कुर, तो ये सब रीजन है और दूसरा रात को जागना लेडीज में वायु से ज्यादातर प्रॉब्लम होती है जितनी भी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स है वो अक्सर वायु से रिलेटेड है तो अगर उसको कंट्रोल करेंगे और रात को जागने से वायु बढ़ती है दिन में सोने से तो ये अगर आप कंट्रोल करेंगे इस रूटीन को आप ठीक रखेंगे यानी आप दस ग्यारह बजे सो जाते हैं सुबह आप पांच बजे उठते हैं थोड़ा टहलते हैं या थोड़ा योगा करते हैं प्राणायाम करते हैं तो आपकी एक जनरल हेल्थ जो है मेंटेन रहेगी मतलब आपको कोई प्रॉब्लम उम्मीद नहीं है मुझे आएगी अगर आप ये बेसिक चीजें भी इतनी नहीं कर सकते अक्सर वर्किंग लेडीज का रूटीन यही होता है सुबह उठ के फटाफट फटा खाना बनाया लंच बनाया उसके बाद ऑफिस भाग गए तो वो थोड़ा सा टाइम अपने लिए किसी भी तरह निकाले अदरवाइज ऑफिस में भी ऐसा कर सकते हैं कि उनको लेडीज की हेल्थ पे ध्यान देके कुछ ना कुछ एक्टिविटी योगा वगैरह डाइटरी कुछ ना कुछ जरूर करवाना चाहिए जिससे हमारे देश की मातृशक्ति स्वस्थ रहे आपने बहुत ही खूबसूरत शब्द बोला है मात्र शक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और जैसे गाने के बीच में हम आपस में कुछ बात डिस्कस कर रहे थे और आपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर हाइलाइट्स बोले थे जी। कि गीतांजलि ये चीजें लेडीज के लिए बहुत जरूरी हैं और आप यकीन जानिएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हैं दे आर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ प्री मेनोपोजल मेनोपोजल प्रॉब्लम तो पहले मैं मेंटल हेल्थ का एक सवाल ले लेती हूँ अनूप कुमार जी हैं रांची से Uh, so पहले तो आपको नमस्कार कह रहे हैं वो एंड दे आर ऑल्सो ही इज मैंशनिंग परफेक्टली सेड इट्स नॉट ईजी टू रिवाइव हेल्थ सो प्लीज टेल मी इफ अ वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल एलमेंट सच एज स्किट्सोफ्रीनिया डिप्रेशन एंगजाइटी हाउ वन कैन शेप ब्रेन ये पूछना चाह रहे हैं नमस्कार जी इस क्वेश्चन का आंसर मैं यही देना चाहूंगी कि आप उनको किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए बहुत सारी थेरेपिस्ट हैं बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं और बहुत सारी डाइटरी एडवाइजेस है डायटरी एडवाइज यहीं पर बता रही हूँ ताकि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो देसी घी गाय का उत्तम एक ब्रेन टॉनिक मान सकते हैं पंपकिन इज वेरी गुड ब्रेन टॉनिक आप उसको रियली really? यस yes, आप उसकी रोटी बना के खा सकते हैं आप hmm. सब्जी बनाइए आप मीठा बनाइए पैनकेक बनाइए वट बच्चों को भी दीजिए खुद भी खाइए दिस इज वेरी गुड ब्रेन टॉनिक और आजकल तो पैनकेक स्मूदी बहुत बहुत इन है यस yes. इन है तो ये आप ले सकते हैं और जितने भी पंपकिन सीड्स वगैरह लोग लेते हैं दिस इज आल्सो वेरी गुड ब्रेन टॉनिक तो ये आप ले सकते हैं और एक और चीज मेंटल हेल्थ आजकल बहुत बड़ा इश्यू हो गया है सबके लिए हुँ। एक तो ये बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वैसे भी मैं बच्चों को भी देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है डिप्रेशन हो रहा है जैसे पीछे कोटा में भी इतना प्रॉब्लम हुई बच्चों को ची. तो ये सब चीजें हमें फेस ना करनी पड़े लाइफ में इसलिए रूटीन में आप मेंटल हेल्थ के लिए पांच दस पंद्रह मिनट जरूर दीजिए मेडिटेशन कीजिए और डेली या हनुमान चालीसा या कुछ ना कुछ ऐसा रिलीजियस एक्टिविटी जरूर कीजिए जिससे आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ मिले और आपका जो तीन तरह के सत्व होते हैं आयुर्वेद में प्रवर सत्व मध्य और अवर मैंने साइकी right. प्रवर वो होता है प्रवर मैंने जो उच्च क्वालिटी का यानी किसी भी ऊंच नीच के आने पे वो डगमगाएगा नहीं वो सब कुछ फेस करने की उसमें क्षमता है जी। तो ये तीन टाइप्स की साइकी आयुर्वेद में बताई गई है और मध्य जो मीडियम टाइप का कभी डगमगा जाएगा कभी नॉर्मल रहेगा अवर जो सबसे हीन है छोटी सी प्रॉब्लम आएगी उसका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि हमारी जो साइकी हो जो सत्व हो वो प्रवर हो यानी हमें कोई भी प्रॉब्लम इजीली अफेक्ट ना कर पाए हमारे हमारे अंदर उसमें लड़ने की क्षमता हो वो कब बनेगी अगर हम रूटीन में मानसिक हेल्थ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो राइट right. ये आई थिंक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है जैसे अगर आप योगा करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ऐसी जैसा आपने कहा अगर आप मेंटल लेवल को पुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे से इसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ये भी भर जाएगा और अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ज्यादा कॉल्स आ रही है जल्दी कॉल भी लेंगे आपको बता दें डॉक्टर रीना अरोरा आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं स्टूडियो में मैं हूं आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी नंबर वही है दो और आठ चार शून्य एक एक हमारा कोड है नौ आठ छः आठ एक शून्य सात शून्य सात शून्य हमारा व्हाट्सऐप नंबर है और डॉक्टर रीना एक कॉल लेकिन ले। प्यारा सा गाना सुनाती हूँ हेलो हेलो जी नमस्कार हाँ, नमस्कार मैडम रघुविंदर सिंह चट्टा बोल रहा हूँ सुभाष नगर नई दिल्ली से जी न, नमस्कार रघुविंदर जी क्या पूछना चाहते हैं पहले डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार जी डॉक्टर साहब मेरा तो ये कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको चांद पर भी लैंड कराओ जी क्योंकि आजकल हमारी जो नारियां है ना वो किसी से कम नहीं है पुरुषों से भी ज्यादा काम करती है बिल्कुल लेकिन वो असहाय तब हो जाती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है हस्बैंड जो है वो वर्किंग है घर में कोई हेल्प करने वाला होता नहीं ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें किसको बुलाए किस से हेल्प लें कृपया बताने का कष्ट करें और कौन सी डाइट या ड्राई फ्रूट लें जिससे उनकी बरकरार देखिए आयुर्वेद में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल रिजीम बताया गया है गर्भिणी परिचर्या बताई गई है हर मंथ में स्पेसिफिक डाइट्स होती हैं और हर मंथ में एक पर्टिकुलर रूटीन होता है वो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को विजिट करके आप प्रॉपरली ले सकते हैं और दूसरा ये जो घर पे आप बोल रहे हैं कोई नहीं होता उसके लिए संयुक्त परिवार में दोबारा से रहने का प्रयास कीजिए ताकि आपको उस टाइम वो मदद मिल सके जी बिल्कुल और बिकॉज आपने मेंटल हेल्थ की बात की है तो आई डोंट नो वेदर प्रेगनेंसी कुड बी अ बिग पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट बट आई थिंक हम जो पोस्ट नेटल uh, की बात, uh, की बात डिप्रेशन की बात करते हैं प्री डिप्रेशन की बात करते हैं वो भी मेंटल हेल्थ से काफी जुड़ा हुआ है तो आई थिंक uh, अभी आई फील वेरी लकी कि आज आप स्टूडियो में और बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कई तो भ्रांतियां भी होंगी जो वो दूर हाँ। करना चाहेंगे तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके की हेल्थ है आयुर्वेदा हमारी सबसे एंशेंट मेडिकल साइंस है और उसमें हर तरीके का उपचार है और डॉक्टर रीना कुछ कहना चाहती हैं जी है। तो प्रेग्नेंसी से रिलेटेड मैं एक बात और कन्वे करना चाहती हूँ सबको अगर आप आयुर्वेदिक पूरा एंटीनेटल रिजीम फॉलो करते हैं जो गर्भिणी परिचर्या फॉलो करते हैं 99% परसेंट चांसेस होते हैं कि आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी बच्चा भी स्वस्थ होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे इसलिए इसको भी आप साथ में फॉलो करें और एक स्वस्थ जीवन पाए आप हाय सुना आपने देखिए कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जिनकी लास्ट बीट छोड़ने का भी मन नहीं करता और ये मैं आपको बताती हूँ इस गाने की अगर आपने वर्डिंग सुने हो ना ध्यान से तो एक आपस की जो प्यार भरी एक रिलेशनशिप है उसको काफी ज्यादा डिपेड कर रहेगा ना और जैसे डॉक्टर रीना ने बताया था कि अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक सपोर्ट सिस्टम महिलाओं के लिए होना बहुत जरूरी है और ये सपोर्ट सिस्टम हम सब बना के रखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं चाहे हम मेंटल हेल्थ की बात करें चाहे फिजिकल एलमेंट्स की बात करें वो हील हो सकती हैं तो डॉक्टर रीना दो चीजें हमने राइट इन द बिगनिंग बहुत ही ज्यादा सीरियस लेवल पर उन पर डिस्कस की है बट मुझे लगता है कुछ कॉल्स इंस्टेंटली लेने जरूरी हैं बहुत हमारे पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं हेलो जी नमस्कार हेलो नमस्कार मैम नाम बताइए अपना गुरविंदर सिंह बोल रहा हूँ नई दिल्ली से जी गुरविंदर जी आपसे अभी बात हुई थी हमारी हाँ जी लगता है इनकी कौल कॉल ड्रॉप हो गई है एक और कॉलर है हमारे साथ हेलो हेलो सो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं प्लीज आप लाइन पे बने रहिए आपकी कॉल डेफिनेटली रिसीव की जाएगी अनादर कॉलर वी डू हैव विद विदास हेलो हेलो नमस्कार जी नमस्कार नाम बताइए अपना प्लीज मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी राजा जी कही क्या पूछना चाहते हैं जी जी हमारे श्रीमती जी हैं हाँ लगभग तीन महीने हुए हैं डिलीवरी के जी उनको बुखार मतलब अभी भी आ रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं ये आप एक बार वहीं पे जहां पर डिलीवरी हुई है गायनेकोलॉजिस्ट को जाकर दिखाइए कई बार कोई सेप्सिस हो या कोई प्रॉब्लम हो इसलिए कंटिन्यूस फीवर आता है एक दे, दिन दे, भी वेस्ट मत कीजिए और इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उनको दिखा कर आए एक बार उनको दो बार दिखा चुके हैं है, मैम दो बार दिखा चुके हैं कब दिखाया था लास्ट अभी लगभग पंद्रह तो एक बार फिर जाइए उसने गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाइए कि इसको फीवर क्यों आ रहा है क्योंकि मुझे मैं ऐसे आपको दवाई नहीं बता पाऊंगी रीजन वही है कि कोई सेप्सिस वगैरह हो या कोई भी इन्फेक्शन हुई तभी फीवर आ रहा है बार बार तो एक बार मिलिए उनको जाकर धन्यवाद थैंक यू सो मच और कॉल अभी हेलो हेलो जी नमस्कार आ, नमस्ते मैम मैं, मैं गुरविंदर बोल रहा हूँ आपकी बात रघुविंदर से हुई है अभी अच्छा अच्छा जी जीवन आपका आपका कॉल अभी भी देखिए वो आवाज गूंज रही है ड्रॉप मैं आगे आ, आ रहा हूँ बाहर आ रहा हूँ हाँ बताना हाँ जी ठीक पूछिए क्या पूछना डॉक्टर साहब को भी नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार डॉक्टर साहब न्यूली बोर्न चाइल्ड को छह महीने तक माँ का दूध पिलाना पड़ता है तो जो माता है वो भी क्या दूध या दूध ऐसी बनी चीजें ले सकती है दूसरा आयुर्वेद की शॉप से मैंने देखी नहीं कही तो होम्योपैथी की तो होती है एलोपैथी के केमिस्ट की दुकान होती है तो आयुर्वेद की शॉप नहीं है तो ये कहाँ से ले सकते हैं दवाइयाँ है। पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा है मदर को मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क आप दे सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आयुर्वेदिक शॉप्स की जो आप बात कर रहे हैं वो आप गूगल कीजिए आपको कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेंगी हेलो 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 नमस्कार जी नमस्कार गांधी नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ हाँ जी पूछिए अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब अक्सर देखा गया है कि महिलाओं को पैर में दर्द पैर में करंट आना कमर में दर्द क्या ये इनको कैल्शियम की कमी हो जाती है इसका क्या कारण है इनको अपना जो पैरों में दर्द पैरों में करंट आना कमर में दर्द तो इस, इनकी डाइट आप एक बार बताइए जो सभी महिलाओं को फायदा दे और आने वाले बच्चों को भी जो शुरू से डाइट वैसी ही खाएं और मजबूत बने जी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर भी अब ध्यान से सुनिएगा एक्चुअली आप सिर्फ डाइट पूछते हैं कि लेडीज को कमर में दर्द है या वीकनेस हुई है या बच्चा ठीक हो हाथ में दर्द हुई है पैर में दर्द हुई है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये पेन हुई है या वीकनेस हुई है मैं उनको एक तरतीब से आपको बता रही हूं नंबर एक वातपित कफ तीन दोष है आयुर्वेद में वायु जो है अक्सर पेन का कारण है वायु सिर्फ डाइट से ठीक नहीं होती है अगर आप किसी को अनटाइमली स्ट्रेस देते हैं किसी का कोई बहुत नजदीकी किसी की डेथ हो गई है या कोई रात को जाग रहा है बिना बात की उसको घर पे चिंता मिल रही है बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं वो भी एक कारण है वायु बढ़ने का उससे भी पेन्स बढ़ती है उससे भी वीकनेस होती है आप मेरी बताई हुई डाइट दे लेंगे अगर और उनको मानसिक खुशी नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा इसलिए ये भी ध्यान दीजिए और दूसरी बात लेडीज कभी भी मैंने देखा नहीं है अक्सर 90 परसेंट लेडीज एक्सरसाइज नहीं करती हैं यह भी एक कारण है कि ये पेन्स ये बैक एक और ये सब होता है तो सुबह आप उठते ही कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कम से कम 15 मिनट अपनी बॉडी को दीजिए योगा कीजिए नोज में ऑयल डालिए थोड़ा सा प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह किसी भी टाइम दिन में जब फ्री होते हो तो कीजिए तो इससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और थर्ड चीज जो आपने डाइट पूछी है उसमें दूध अक्सर लेना चाहिए रागी का आटा ले सकते हैं अच्छा कैल्शियम का सोर्स है ये देसी घी लेडीज को जरूर लेडीज का सबको जरूर लेना चाहिए जो आजकल खाली सरसों का तेल घरों में चलता है ये भी ज्वाइंट्स में लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाते हैं आजकल तो बाकी बाकीपैथीज के लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है कि आप देसी घी स्टार्ट कीजिए exactly. तो इसलिए इसको अपने डाइट में लाइए लेकिन फर्स्ट जो मैंने बात बोली थी उसका ध्यान जरूर रखिए आप आगे छप्पन भोग अपने खाकर अगर मन से खुश नहीं है मानसिक चिंता है तो उसका कोई फायदा नहीं है और मैंने ये बात इनफैक्ट कहना ही चाहती थी आपने पहले कह दी बिकॉज इनिशियली जब डाइट लोग करते थे महिलाओं को बहुत सारी चीजों से जूझना पड़ता है मैंने देखा है चाहे मतलब मैं कोई जेंडर शेमिंग नहीं करना चाहती हूँ आ, लेकिन मेल्स चाहे कितने भी हेल्थी है उनको कोई नहीं टोकता फीमेल्स को इमीडिएटली बोलते हैं अरे क्या बात है बड़ी मोटी हो गई हैं तो उन उनपे ये भी बड़ा प्रेशर रहता है टू तो लुक गुड टू तो फील फिट तो फिर सब कुछ छोड़ देते हैं कि आप घी भी मत खाइए आप दूध भी मत पीजिए डोंट टेक लैकटॉस्ट फ्री रहिए बिल्कुल तो अभी आपने जैसे बताया देसी की तो डाइटिशियंस भी कहते हैं मिनिमम एक डेढ़ चम्मच तो जरूर खाइए और इसी जैसे आपने डाइट की बात की सोरी जी मैं इसी के संदर्भ में एडवाइस करना चाहूंगी लेडीज को कि कभी भी स्टारवेशन नहीं करनी बॉडी तो आपकी पता नहीं लूज होगी कि नहीं वेट लूज होगा बट फेस आपका जरूर डाउन हो जाएगा तो इसलिए स्टारवेशन नहीं करनी यू शुड टेक गुड डाइट और दूसरी बात जब आपको भूख लगी है तब खाइए आप टाइम देखकर एक डस्टबिन की तरह उसमें डालते मत जाइए अगर आप किसी डाइटिशियन से भी डाइट लेते हैं तो वो आपके लिए मैं उसको अगेंस्ट इसलिए हूं मान लो आपको डाइट दी गई है कि आप आज इतना आपने पपीता खाना है एक कटोरी भर के राजमा खाने है और आपको भूख जरा भी नहीं है होते तो, गए बार। हाँ तो ये आपने किया तो आप तो वर्ल्ड की पेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं और डाइजेशन खराब कर रहे हैं तो बेटर है अपनी भूख को डिसाइड करने दीजिए कि आपको कितना खाना है तो ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए और कभी भी डाइटिंग छोड़ के एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए और टाइम पे खाना खाइए तो शायद आपका वेट और लुक्स बेटर मेंटेन रहेंगे। जी तो आई थिंक ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स हम सबको मिल रहे हैं और विदाउट एनी फेल महिलाएं बहुत हमें आज सुन रही हैं मैसेजेस उनके आ रहे हैं अब धीरे से हम मैसेजेस की तरफ भी बढ़ेंगे बहुत सारे हमें पढ़ने हैं लेकिन अगर आपने थोड़ा इसी देर से हमें ज्वाइन किया है तो आपको फिर बता देते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना अरोरा आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट मैं हूं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी और नंबर दो तीन चार दो एक शून्य आठ चार दो तीन चार दो एक शून्य आठ शून्य और जीरो वन वन इज द कोड एंड नाइन एट सिक्स एट वन जीरो सेवन जीरो सेवन जीरो हमारा व्हाट्सऐप नंबर है जो लगातार आपके मैसेजेस से भरा हुआ है कहीं जाना नहीं है थोड़ी सी आपको कुछ बातें जानकारी की भी सुनवाएंगे उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा गाना भी सुनेंगे आप जी बिल्कुल जिंदगी में ऐसे रंग उड़ते रहने चाहिए लेकिन जिंदगी का रंग नहीं उड़ना चाहिए बस कभी भी ये हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और इसी वजह से रेडियो डॉक्टर जैसे प्रोग्राम्स हैं कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी डिसकलरेशन ना हो और मेरा डिसकलरेशन से मतलब आपकी फेशियल या बॉडी कलर की बात नहीं है जिंदगी के रंगों की बात हो रही है और आज मंडे है सावन का सोटू से आज आखिरी सोमवार है फिर भी रिकनफर्म कर लेना तो मुझे लगता है कि ये गाना भी बहुत ही ज्यादा खास रहा आज कमिंग बैक टू क्वेश्चन जी सो रीना मैम जीतू तो पूछ रहे हैं कि उनकी वाइफ को नींद बहुत आती है ज्यादातर वो लेटी ही रहती हैं उनका टेस्ट हुआ था खून की कमी है पिछले हफ्ते दो यूनिट चढ़ा है वो क्या करें कि ये कमी ठीक हो जाए जी एक तो आयरन की कढ़ाई में खाना बनाए चुकंदर का सेवन करें और जितने भी आ, रिच मील है देसी घी जरूर खाएं खाने में दूध पिए अच्छी डाइट लें फ्रूट्स खाएं अच्छे से अनार खाएं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना वो बियर कर पाती हैं वो करें तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी और खुश रखें उनको खुश रखें देखिए खुश रखना बहुत ही जरूरी है अनदर क्वेश्चन भी है वो कह रही है कि जी, ऐसा है मैं पुनीता है वो और उनको एक आ, महीने से बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और गले में इचिंग भी होती है वो कह रही है मैंने बहुत एंटीबायोटिक भी ली कुछ नहीं हुआ प्लीज सजेस्ट मी सम मेडिसिन लोधी रोड से लिख रही है पुनीता जी सूखी खांसी हो रही है वो भी लिखा है अभी अभी उन्होंने आप एक तो हल्दी वाला दूध लीजिए गरम दूध एक कप आधा चम्मच हल्दी डाल के उसको लीजिए और गरम पानी में हल्दी और शहद डालकर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं इससे आप गार्गल्स कीजिए दो तीन बार तो मुझे उम्मीद है आपको इससे काफी बेटर हो जाएगा फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर आप डॉक्टर को मिल सकते हैं जी और एक और जो फिटनेस से रिलेटेड खूबसूरती से रिलेटेड बात हम ये भी कर लेते हैं हालांकि मैं पहले बता दूं बिकॉज ये जो सवाल है ये ब्यूटी रिलेटेड है बट हम कोई गोरे रंग को एंडोर्स नहीं करते हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई रंग है जो बहुत ही डार्क होता जा रहा है धीरे धीरे क्या आयुर्वेदा में कोई ट्रीटमेंट है जो रंग साफ हो जाए पहले इनका रंग काफी साफ था ये जो डार्क होता जा रहा है ना ये किसी बीमारी की ओर संकेत कर रहा है अच्छा हाँ इसको आप ये मत समझिए कि रंग काला हो रहा है मैं इसके लिए तो बता देती हूँ आप रूटीन में घर पे हल्दी बेसन वगैरह का वो पैक लगाइए दही में डाल के तो उससे बेटर हो जाता है बट हुँ. आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए क्योंकि स्किन का काला होना ये कई बीमारियों का संकेत है तो इसलिए इनको ऐसे ही आप मत लीजिए कि रंग काला हो रहा है जी, जी. Uh, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हालांकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बट मुझे लगता है व्हाट्सएप मैसेजेस उसमें क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जी. तो मुझे लगता है वो इकट्ठे ले लें पीरियड से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन हैं तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पिक करती हूँ उसमें सभी का आंसर आ जाएगा जी. तो uh, ये क्वेश्चन है रिलेटेड पीरियड्स दैट पीरियड्स में एक तो पेन बहुत होती है uh, क्या पीरियड्स में uh, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक कीजिए जिम कीजिए ये सब हेल्दी रहते हैं पीरियड्स में करना बिल्कुल नहीं करना पीरियड्स अच्छा। में कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए आपको और जो पेन रहती है उसके लिए आप सौंफ और अजवाइन का पानी बॉईल करके पी सकते हैं जी। और डाइट भी जो आयुर्वेद में एडवाइस की गई है बिल्कुल सिंपल डाइट आपको लेनी चाहिए जौ का दलिया ले सकते हैं खिचड़ी ले सकते हैं तो लाइट सब्जियां देसी में बना हुआ खाना कोई स्पाइसी फूड नहीं जंक फूड्स नहीं बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं तो रेस्ट कीजिए बस इससे आपकी वैसे ही प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी ये जो पीरियड्स की एड भी आती है वो जम्प करते हुए दिखाते हां हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं आप दिस इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा और इससे कई और प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसलिए आप उन दिनों में एटलीस्ट दो तीन दिन रेस्ट कीजिए जी तो देखिए ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है और जैसे जैसे डॉक्टर रीना बता रही हैं ना मुझे हंड्रेड परसेंट जितने हमारे घर के बड़े जो बातें बताते हैं हाँ, हमें बचपन से अभी तक मुझे लगता है कि वाई गॉड हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न होते रहते हैं ना तो हमें लगता है इन बातों का कोई मोल नहीं है आप पुराने जमाने के हैं लेकिन अगर आज हम देखें तो इवन हमारी करंट साइंस वो भी पुराने जितने भी हमारे पद्धतियां हैं खासकर मैं आज मेडिकल पद्धति की बात कर रही हूँ उनको लेकर बाहर आ रही है बड़े से बड़े आप हॉस्पिटल में जाएंगे वहां एक अलग से आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट yes. भी बनाया गया है so, सो मेरे ख्याल से आज मैं फिर से कहती हूँ इट्स अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट डे फॉर ऑल ऑफ अस डॉक्टर रीना स्टूडियो में हैं और आयुर्वेदिक की बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम आप बता रहे हैं सबका इलाज आयुर्वेदा में है बस क्लियरली अपनी प्रॉब्लम पूछिए मुझे लगता है एक क्वेश्चन पहले ले लें आपको एक गाना सुना दू क्या मना है आपका <laughs> <laughs> क्वेश्चन ले लें जी जी उसके बाद सुनते हैं हेलो हेलो जी नमस्कार नमस्कार जी जी अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए मैडम जी बहुत दुखी हूँ मैं क्या हो गया अपना नाम बताऊँ एक महीने के बाद आपने मेरा फोन उठाया मैं डेली सुनता हूँ दो साल से सुन रहा हूँ हम... कम से कम कम से कम सौ आदमी को बता चुका हूँ तीन से चार बजे एक वेस्ट करो और कार्यक्रम सुनो अच्छा पहले पे पे नाम बताइए हम आपकी नाराजगी मैं महाराष्ट्र नवी मुंबई से ऐसी से सदाशिव पालकर बोल रहा हूँ मैडम सदाशिव जी पहले तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ इतने टाइम बाद आपका फोन लगा और मिल गया और दूसरी बात तो, अपनी सफाई में तो, मैं, मैं बोलना चाहती हूँ हमारे आकाशवाणी का कोई भी चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी प्रस्तुत करता ये नहीं चाहेगा किसी का फोन ना उठाए चांस की बात है बहुत कम से कम मैडम उठा के होल्ड रखिये ना तो डॉक्टर साहब कुछ बताते हैं तो कम से कम सुनने में मिलेगा क्योंकि मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ पूरा मेरा टाइम फोन करने में भैया जाता है हम उसकी माफी चाहते हैं लेकिन ये जो सिचुएशन है ये हमारी रीच से बाहर है आज जो डॉक्टर साहब को नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार, नमस्कार ने। ने। जी मेरी बच्ची है सत्ताईस साल उम्र है जी। तो उनको उनकी हाथ की और पाँव की चमड़ी पूरे ड्राई हो गई है जी। और बड़े बड़े खाचे जैसे पड़ते ना ऐसे हो रहे हैं तो वो एक डॉक्टर के पास जाके आयुर्वेद में तो उन्होंने उनको सोरा या सर्स बताया तो कैसे होता है क्यों और इसके ऊपर क्या कैसे जरा प्लीज बता दीजिए ये एक स्किन प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा तो आजे? जिनको आप दिखा रहे हैं उनके साथ कंटिन्यू करिए उस ट्रीटमेंट को और ठीक हो जाता है आयुर्वेद से ये सोरियसिस आयुर्वेद से ठीक होता है जी और दूसरी कोई आयुर्वेद है हाँ हाँ जी बता दीजिए जरा प्लीज नहीं इसका सोरियसिस का हाँ जी ऐसे फोन पे एक लाइन में इसका इलाज नहीं बता पाऊंगी ये जिनको आप दिखा रहे हो या किसी भी वहीं पे डॉक्टर को दिखाइए महाराष्ट्र में क्योंकि आजी, आजी। इसका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा और आजी, पूरा पेशेंट को देख के उसके अकॉर्डिंगली वो एडवाइस करेंगे पूरा डाइट हाँ। लाइफ स्टाइल और मेडिसिन के आयुर्वेद होते उसमें होएगा हो सकता है मैं ऐसे नहीं कमेंट कर सकती मुझे पता नहीं ना क्योंकि डॉक्टर के पास गए थे आयुर्वेद के पास नहीं गए गई आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए कहीं भी जाइए आप और खाने पीने में क्या रखना है तो? ये सब वही बताएंगे पेशेंट को तो देख के ओके डॉक्टर थैंक यू बहुत खूब खुँ आभार थैंक यू देखिए ऐसी भी कई बार नाराजगी हो जाती जी, है जिसमें हम लोग एक्चुअली कुछ रोल ही नहीं प्ले कर पाते लेकिन एक बार फिर जब भी आप कॉल कर रहे हैं मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने सवाल, सवाल के साथ तैयार रहा कीजिए और दूसरी बात अपना जो फोन का वॉल्यूम है ना उसको बिल्कुल बंद किया कीजिए नहीं तो एको आती है ना तो डॉक्टर साहब को भी आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम होती है और हमें कॉल एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है तो मुझे लगता है यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक डॉक्टर रीना जी और आपको मैं बहुत ही औसम से गाना सुनाती हूँ उसके बाद वापस आते हैं सवालों के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर जी जी बिल्कुल फट्टे चक सकते हैं आप फट्टे चकने का मतलब पंजाबी में होता है कि आप अपना बिल्कुल अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं हर तरीके से कर सकते हैं और अभी तो स्टूडियो में अपनी हेल्थ वाइज अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं डॉक्टर रीना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और सवालों का सिलसिला डॉक्टर रीना एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अच्छा एक सवाल डेली से कृष्णा पूछ रही है पूछ रहे हैं या रही हैं पता नहीं बट कृष्णा है तो मैं पूछती हूँ कितने स्वेटिंग बहुत होती है और स्वेटिंग होने से नोज क्लोज हो जाता है और हेडिक हो जाता है बहुत ज्यादा प्लीज आप इसके लिए कुछ सजेस्ट कीजिए एक तो स्वेटिंग ऐसे तो बताना वैसे मुश्किल होगा बट मैं कुछ कॉमन चीजें बता रही हूँ इससे रिलेटेड आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर पित्त बढ़ जाए तब भी स्वेटिंग होती है तो बहुत ज्यादा गर्म चीजें मत लीजिए सिर दर्द भी उसी कारण से हो सकता है तो नॉर्मल रूटीन में रहिए बहुत गर्म तस्र अभी जैसे ये शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी जी। और इसमें वैसे ऑटोमेटिकली पित्त कुपित होता है जो तीन दोष होते हैं उनका पर्टिकुलर सीजन होते हैं तो इस सीजन में तो हम दही भी खाने से मना करते हैं और बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना जंक फूड्स नहीं खाना बासी खाने नहीं सरसों का तेल नहीं रिफाइंड नहीं यूज कीजिए तो ये सब देसी घी खाइए अनार खाइए आंवला खाइए तो मुझे उम्मीद है इससे काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डॉक्टर को विजिट कीजिए और बाल झड़ने के भी काफी सारे सवाल आए हैं तो मैं सबके नाम तो नहीं लेती बट कलेक्टिव आप बता, बता दीजिए वो कह रहे हैं कि आयुर्वेदा में बाल झड़ने के को रोकने के कोई उपाय है या फिर रीग्रोथ के जी बाल झड़ना मेन अक्सर कारण उसका डाइटरी डिफिशेंसी होती है आपका रूटीन गड़बड़ है तो इसलिए एक अच्छी डाइट लीजिए जिसमें देसी की जरूर हो रागी का आटा बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि नेचुरल कैल्शियम है उसमें दूध का सेवन कीजिए आप फ्रूट्स खाइए सब्जियां खाइए और दालें खाइए अच्छे से तो इससे आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी आजकल पूरी डाइट लोग नहीं लेते हैं अवॉइड करते हैं कुकिंग करना भी कभी पिज्जा ऑर्डर कर लिया कभी कुछ तो ये भी एक कारण है तो ये और दूसरा बहुत डेली शैम्पू करते हैं कुछ लोग या अल्टरनेट डेज पे डोंट डू दिस हफ्ते में एक बार शैम्पू कीजिए एक बार ऑयलिंग कीजिए उसके अलावा अगर आपको सिर गंदा लगता है तो आप सिंपल पानी डाल सकते हैं या आंवला का, का पानी डाल सकते हैं तो वो भी बालों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा है अब डॉक्टर रीना सबके सवाल आप ले रही हैं तो जो मेरे दिमाग में सवाल है वो भी आपको लेने पड़ेंगे और ये सवाल पर्सनल से ज्यादा जो हमारे पास नॉर्मली सवाल आते हैं उनसे इम्बाइब हुए जी तो हमेशा हम कहते हैं कि अभी किसी को सेल्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहिए चाहे लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते लेकिन उसके बावजूद ये मेरा मानना है कि किसी भी आप मेडिकल कंडीशन को डॉक्टर से पूछ के ही ट्रीट कीजिए तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी लिखा है कि हालांकि हम घर का देसी इलाज कर रहे हैं हम लोग शहद में सरसों का तेल मैंने तो पहली बार सुना है कि शहद में सरसों का तेल मिला भी आप खाएं गले के लिए मतलब इस तरीके के इलाज लिख रहे हैं मैं वो इलाज बोलना नहीं चाहती कि लोग मतलब ना करने लगे लेकिन आप बताइए कि क्या ए आ, ये सही है घर के अपने इलाज करना इनसे प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है बिल्कुल हो सकती है जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है आजकल ये ट्रेंड हो गया है इसको व्हाट्सएप डॉक्टर ही हम बोलते हैं जीवन और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे मेडिकेशन आती हैं लोग करते भी हैं उसको मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी जी जैसे लोग बोलते हैं सुबह उठ के आप पानी पीजिए दिन में आठ ग्लास पानी पीजिए सुबह दो ग्लास पानी पीजिए जी लेकिन आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली उषा पान एडवाइज किया है यानी आप सुबह चार बजे अगर साढ़े चार उठते हैं तो दो घूट पानी पीजिए और या आपको जितनी प्यास है ऐसा कोई वो मेंशन नहीं है कि आप गर्म पानी पीजिए या लोटा भर के पानी पीजिए आप अपने एंजाइम्स को और लिक्विफाई कर देते हैं आपकी डाइजेशन और वीक हो जाती है हुँ. और दूसरा जो ब्रेकफास्ट में जैसे लोग स्मूदीज लेते हैं या कुछ भी फ्रूट्स लेते हैं कुछ कुक्ड मील आपको उठने के एक आधे घंटे के बाद लेना चाहिए कुछ भी सुबह ऐसे कच्चे मील्स एडवाइज नहीं किए गए हैं अच्छा नॉट फ्रूट्स यस तो ये मैं इसीलिए एक एग्जांपल एक मैंने आपको दिया कि ये जो आप लोग अपने आप मेडिकेशन करते हैं या डाइटरी एडवाइजेज भी कर मैं तो डाइट भी बोलूंगी आपको तो तो कि लाइफस्टाइल भी क्योंकि आयुर्वेद में सात प्रकार की प्रकृति बताई गई है सात प्रकार के टाइप्स हैं हमारी बॉडी की जिसमें एक वायु प्रोडोमिनेस है जो हाइपर एक्टिव है एक पित्त प्रोडोमिनस है जिनको गुस्सा बहुत आता है जिनकी बॉडी पे रैशेज वगैरह हो जाते हैं स्किन प्रॉब्लम्स कफ है थर्ड जो अक्सर वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है लेथार्जिक होते हैं थोड़ा और बाकी इनकी दोनों की कॉम्बिनेशन वात -पित, पित्त पित्त कफ और वात कफ और थर्ड जो तीनों दोष होते हैं तो ये इसी इसीलिए जैसे लोग बोलते हैं ना कि उसको तो कुछ नहीं हुआ मुझे क्यों हुआ तो ये जो बॉडी टाइप है आपकी ये भी करती है कि आपको कोई बीमारी या कोई डिजीज या कोई मेडिसिन कैसे अफेक्ट करेगी कितना अफेक्ट करेगी तो इसलिए सबका सेम पैटर्न नहीं होता है तो अगर आप व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से आई हुई मेडिसिन फॉलो करेंगे <laughs> तो वो भी सबके लिए सेम नहीं होनी चाहिए वो आपको देख तो रहे नहीं है आयुर्वेदा इज ए पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन हर एक व्यक्ति को देखकर नाड़ी देखकर पूरी हिस्ट्री लेकर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली एज के अकॉर्डिंगली हम डाइट और लाइफ स्टाइल करते हैं फिर हम मेडिसिन देते हैं जी, ऐसे ही नहीं कि आपको फीवर हुआ है तो आप जाके क्रोसिन ले लीजिए जी ठीक है तो आई होप के बहुत ही स्पष्ट तरीके से डॉक्टर रीना ने आपको बता दिया है तो प्लीज नीम हकीम खतरा जान ना बनी जी. और डॉक्टर्स आर देयर फॉर अ रीजन सालों की पढ़ाई होती है उनकी एक्सपीरियंस होता है और बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जिसके बाद वो आपके सामने ट्रीटमेंट मेथड्स लेके आते हैं तो उन्हें बनाए रखें डॉक्टर रीना हमारे साथ आयुर्वेदा एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है मैं वही हूँ आपकी अपनी गजब की गतांजलि और इसके साथ एक कॉल ले लेते हैं क्योंकि जल्द ही समय हमारा ओवर होने वाला है हेलो हेलो जी स्वागत है आपका हाँ जी नमस्कार मैडम नमस्कार जी अपने रेडियो का वॉल्यूम बंद रखिएगा बिल्कुल हाँ जी वो बंद है जी मैडम ऐसा है मेरा एक क्वेश्चन है मेरी उम्र है 66 इयर्स जी सर ठीक है आई एम डायबिटिक पेशेंट एंड हाइपर टेंसिव ऑल्सो तो मेरी मेन प्रॉब्लम पता है क्या है ये घुटने के नीचे काफ मसल्स है ना जो मैडम जी तो इसमें खाना खाने के बाद इसमें इतना सीवियर पेन होता है कि ये पूरा फिंगर्स तक जाता है पैरों की टो तो तक मतलब अच्छा जी। तो उस टाइम बहुत मैं ना रेस्टलेस हो जाती हूँ वैसे मैं डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि डायबिटीज की वजह से है ये लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि खाना खाने के बाद होता है ये तो दो तीन घंटे लग जाते हैं मुझे एडजस्ट होने में जिसकी वजह से ना मुझे रात को नींद भी नहीं आती है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैंने कहा मैं डेली ये प्रोग्राम सुनती हूँ वैसे अच्छा लगता है तो आयुर्वेद में इसका है कोई मैडम ट्रीटमेंट नमस्कार जी नमस्कार आप मुझे ये बताइए आपका जो ये काफ मसल्स में पेन होती है आपका मोशन कितनी बार होता है एक ही बार जाती है मैडम मैं मॉर्निंग में ही जाती हूँ okay, शुगर कंट्रोल रहती है आपकी शुगर ना फास्टिंग थोड़ी वन थर्टी तक रहती है पीपी भी -पी वन फिफ्टी रहता है तो ज्यादा इतना नहीं है वैसे मैं मतलब आई एम टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली ठीक है इसके लिए मैं सिंपल सी एक दो चीजें आपको बता रही वो करके देखिए आप एक तो आपने लेग्स पे अपनी ऑयल डेली लगाना है और भी लगाती हुई, तिल का तेल होता है ना जो तो? थोड़ा लगाइए कोई जिससे आप को तो बता दीजिए अगर मैं मतलब कर लूंगी। महान रायन तेल वगैरह कर सकते हैं आप और पैरों की तलियों के नीचे तिल का तेल लगा के सोइए पांच मिनट उसकी मसाज कीजिए तो इससे मुझे उम्मीद है आपको ठीक हो जाएगा ये और गरम दूध थोड़ा सा हल्दी वाला बीच में एक आधा हफ्ता आप पी लीजिए और उसके बाद भी अगर थोड़ा दिक्कत रहती है तो फिर डॉक्टर को मिलिए आप तो खाने पीने में और कुछ प्रिकॉशन और, और जो आप शुगर का तो परहेज करते ही होंगे ना हाँ जी हाँ जी बस थैंक यू मैडम थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग और जल्दी से एक और कॉल फिर उसके बाद में आपसे कुछ फाइनल टिप्स जरूर लेना चाहूंगी हेलो हेलो जी जल्दी से सवाल पूछिए अपना जी नमस्कार मैं देभ कुवार बोल रहा हूँ प्रजापति सवाल पूछिए डॉक्टर साहब ये हर पीठ क्या चीज होती है जो मकड़ी मर जाती है उसको हर पीठ बोलते हैं उसका क्या इलाज है उसके बारे में कोई आप बताएंगे और एक सवाल और है पहले के समय में महिलाओं के देखा गया कि पंद्रह अठारह बच्चे होते थे आज दो बच्चे होने के बाद महिलाएं कमजोर पड़ जाती हैं पहले की डेट अच्छी थी क्या पहले अच्छा वातावरण था प्रदूषण हो गया क्या हर्पीज एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ uh, है इसके लिए आप किसी डॉक्टर को विजिट करिए इसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है इसका ट्रीटमेंट और जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा सा इरेलीवेंट uh, सा लग रहा है वैसे मुझे बट फिर भी मैं इसका आंसर ये देना चाहूंगी कि इसमें uh, जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं औरतों की पहले औरतें हाउसवाइफ होती थी अब अक्सर औरतें जो हैं वर्किंग हैं और उनको सपोर्ट कीजिए ज़्यादा लेकिन आ, बाकी हेल्थ ओवरऑल उनकी बेटर है अगर देखा जाए तो धन्यवाद जी अब क्विकली हमारा समय तो हो रहा है लेकिन दो तीन चीजें वैसे आपने पेटी मच जितना हो सकता था इसके एक घंटे में हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं हमने मेंटल हेल्थ से लेकर पीरियड्स में मेनोपोजल इश्यूज से लेकर प्रेगनेंसी से लेकर ऑलमोस्ट सारी बातें की हैं फिर भी ऐसे कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट टिप्स जो आपको लगता है अगर बेसिक कर लेंगे तो ये सारी चीजें इनका अमेलगमेशन जो है बाई इन लास्ट ठीक ही रहेंगी फीजिये पहले तो मैं एक लाइन जरूर लेडीज के लिए बोलना चाहूंगी वो एक मूवी का डायलॉग था ना जा जीले सिमरन क्या बात है <laughs> <laughs> ये सब अपनी लाइफ में ले आई ज्यादा स्ट्रेस मत लो किसी की नई नई शादी हुई है थोड़े इन लाज की प्रॉब्लम कुछ ऑफिस में जॉब नहीं लगी है वहां पे जो आपके हेड है उनकी प्रॉब्लम कुछ बच्चों की प्रॉब्लम कुछ हस्बैंड की प्रॉब्लम ये सब लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चलता रहना है कोई रेड कारपेट मिलने नहीं वाला तो इसलिए आदत डाल लो कि कुछ ना कुछ टेंशन कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहना है उसको अपनी हेल्थ पे इतना हावी मत होने दो कि वो आपको बीमार कर दे इस स्थितियों में भी आप अपना मानसिक संतुलन बनाकर अपनी डाइट अपनी एक्सरसाइज और अपना लाइफ ये रूटीन फॉलो कीजिए खुश रहिए पांच दस मिनट डेली डांस जरूर कीजिए उससे जो रिजिवनेशन मिलता है और गीत गा कर देखिए नहीं तो सुनिए तो आपकी आत्मा को जो शांति मिलेगी और मेडिटेशन कीजिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अस्वस्थ कर सकता है और खुश रहिए क्या बात है खुश रहिए खुश रखिए और इन दोनों चीजों के लिए अपना अंदर से जो आत्मिक बल है वो होना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर रीना मैं कहना चाहती हूँ सबको कि भाई अब टाइम तो ओवर हो गया है हालांकि आई थिंक मैक्सिमम हमारे पास दो मिनट बचे हैं ये कहने में मुझे खराब लग रहा है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी रीना अरोड़ा <laughs> <laughs> लेकिन आयुर्वेदा को लेकर बहुत सारी बातें आपने हमें बताई और मुझे पूरी उम्मीद है जितने हमारे श्रोता हैं उनका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया होगा उम्मीद मैं अपने श्रोताओं से ये करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें डॉक्टर रीना ने हमें बताई हैं उनको आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे और मेरे ख्याल से जितने भी सवाल अभी रह गए हैं हमेशा मैं कहती हूँ कुछ ऐसी चीजें अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो रेनबो पर लिख के भी भेज सकते हैं बिकॉज हमें समय सीमा के अनुसार चलना पड़ता है स्टूडियो में मैं हूँ गीतांजलि सोनी और आज के कार्यक्रम को हम जल्द ही विराम देने वाले हैं लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर रीना आपका स्टूडियो में आने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने प्यार से सब चीजें हमें समझाने के लिए धन्यवाद गीतांजलि धन्यवाद।, धन्यवाद बहुत अच्छा लगा आपके साथ